समाज पत्र का मैं घोषणा पत्र बना दूं, अगर ऐसे अकेले अकेले जाओगे तो मांगना पड़ेगा मानना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो, और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने अगर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय लेकर संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। सरकार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रणाली जी आ गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछले वर्ष की मांगे और अन्य मांगे, एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर उनको याद हो इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छलनी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू होने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो और माँ पर याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को अपने बेटों को खो दिया। याद करो इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे। इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो तो अपनी ताकत बनाओ, गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए समर्थन देखो जल्द मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साथी यहाँ आए थे, मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पर बैठे हैं हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है दाना फेंकता है हमारे लोगों को फंसाता है, जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई हम लोग 1 साल में कर देंगे, जो मांग पत्र आपका वो घोषणा पत्र।
कर देंगे। आलम आगे बताओ, बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे अगस्त तक, कहा ना। जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा ना कर पा रहा हो मध्य प्रदेश में, वो हमारे लोगों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या करेगा? क्योंकि वो भी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मैं उनके साथ जो अपमान किया गया मैं उसके लिए भी खेत प्रकट करता हूं। कि किसी को अधिकार नहीं है पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री को अपमान करे, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है पिछले वर्ग का कहलाने के लिए, जब वो नगर निकाय चुनाव में पिछले वर्ग के अधिकार को खाने का काम करते भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती, 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आप इस निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद ना रखो। अब काम की बात सुनो, राजनीतिक बात बताओ आपको, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची से अज्ञात लोगों ने, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये घटना 11 दो 2023 की है, अभी तक भी कार्रवाई शायद नहीं हुई। अब मेरी बात पर गौर करो, मीडिया के साथी भी सुन लो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करते तो मीडिया के लोग इस पर सवाल पूछना। जो समाज सरकार बना सकता है वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता? इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप बताओ मुझे। मेरा वादा है कि हम लोग भाईचारा बना के पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जो माननीय काशीराम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और जाओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों कहो कि वो बना देने वाले, वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में, तुम लोग लोक मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इस बात एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री, ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और 4 को बराबर पावर होगी कि 4 लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा कब तक इस देश में चलेगा, आप बताओ। जाति के जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? जाति धर्म के नाम पर जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए बताओ? मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, देखना। मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए मिलना चाहिए बताओ?
ये कांग्रेस के लोग बीजेपी को पोसते रहते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग पोसते रहते हैं। इन बहुजन समाज को अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बताओ। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं, उठा के रखो। मैं देखता हूं मेरे आदिवासी परिवार के कौन कौन साथ हैं। हाथ इसे कर लो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। एक महीने का समय हम लोग सरकार को देंगे कि सरकार हमारी मांगों को माने। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो एक महीने के बाद हम लोग रणनीति बना के बहुजन समाज में भाईचारा